हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास क्लास ट्वेल्थ की सारी बुक्स खुली हुई हैं। आज मैं आपको आपकी क्लास ट्वेल्थ की बुक्स से थोड़ा रूबरू करवा दूँ कि आपकी क्लास ट्वेल्थ में कौन कौन सी बुक्स हैं। इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ एंड फिज़िक्स, प्लस इनकी बुक्स का रिव्यूज़ दे देती हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस कौन कौन से सिलेबस हैं इन बुक्स के अंदर, प्लस उनका प्राइस भी बता दूँगी कि कौन सी बुक आपको कितने में मिलेंगी मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ पर स्टूडेंट्स से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन्हें अपनी क्लासेस वाइज। नाउ सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश की बुक्स बता देती हूँ। इंग्लिश में आपकी दो बुक्स हैं, फर्स्ट है रेनबो एंड सेकंड है पेनोरमा। रेनबो बुक में ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है आपके रेनबो बुक का, यानी इंग्लिश का पेपर आपका किस तरीके से आने वाला है उसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है इस बुक में। फिर ये सेक्शन बी, सेक्शन सी, एग्ज़ाम में किस तरीके से आपका पैटर्न है वो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर है इसमें कॉन्टेस्ट, यानी कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जिनके आगे स्टार मार्क है उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। इस तरीके से आपकी हो गई फर्स्ट बुक रेनबो। नाउ सेकंड है आपकी पेनोरमा, कंपलसरी इंग्लिश की सेकंड बुक है ये। अब इस बुक का सिलेबस पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसमें भी सेक्शन बी और सी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। फिर है इसमें कॉन्टेस्ट, यानी इसके चैप्टर्स के नेम। अभी देखिए इसमें जो 10 वाला चैप्टर है इसके आगे लिखा हुआ है नेवर, यानी इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। और जो स्टार मार्क किए हुए हैं इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, इन दोनों बुक्स की प्राइस मैं आपको साथ साथ में ही बताती जाऊँगी। यहाँ पर ये देखिए, ये है आपकी 27 रुपीज़ की रेनबो की। ये एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया में चलती है ये बुक्स, इसलिए इनकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती। ये है आपकी 20 रुपीज़ की। फिर नेक्स्ट अब हम हिंदी की बुक्स देख लेते हैं। हिंदी भी आपके दो बुक्स हैं क्लास ट्वेल्थ में, फर्स्ट है सृजन और सेकंड है पीयूष प्रवा। सृजन के अंदर हम देखें, यह है इसका सिलेबस पूरा। फिर इसके ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में, चैप्टर के नेम। यहाँ से आपके फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और ये सारे आपके चैप्टर के नेम हैं। नाउ इस बुक की प्राइस है 22। फिर पीयूष प्रवा की बुक देखें, इस बुक की आपकी प्राइस है 13 रुपीस। ये आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जाम पैटर्न, और इधर यहाँ पर चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। इस बुक में आपके ओनली 6 चैप्टर हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स की हमारे पास दो बुक हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ये है पार्ट फर्स्ट, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर NCERT लिखा हुआ है, यानी ये बुक्स आपकी क्लास ट्वेल्थ में सभी जगह यही बुक्स चलती हैं। और यदि आप IIT या NEET की तैयारी कर रहे हैं तो भी NCERT की बुक्स को बेस्ट माना जाता है, इसलिए ये बुक्स तो आपको परचेस करनी ही पड़ेंगी। इसकी प्राइस है आपकी 165। नाउ इस पार्ट फर्स्ट में आपको चैप्टर्स बता देती हूँ मैं।
ये देखिए यहाँ पर चैप्टर वन है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये चैप्टर टू। इस तरीके से इसमें सारे चैप्टर्स हैं, तो आपकी फर्स्ट बुक में हो गए टोटल 8 चैप्टर्स। यहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट सेकंड में देख लेते हैं। ये 9 चैप्टर से स्टार्ट है, ये इसमें पार्ट फर्स्ट के चैप्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके टोटल हैं 15 चैप्टर्स, यानी आपके फिजिक्स में टोटल चैप्टर्स हो गए 15। फिर फिजिक्स की दोनों बुक्स के बाद अब हम केमिस्ट्री की बुक्स देख लेते हैं। ये है आपका पार्ट फर्स्ट, इसकी प्राइस है आपकी 165 है ये। और इसमें चैप्टर्स देखे तो यहाँ से आपका ये पूरा कंटेंट है। कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 9, यानी पार्ट फर्स्ट में आपके 9 चैप्टर्स हैं। और ये है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की प्राइस है आपकी 115। और इसमें आपके ये चैप्टर्स हैं यहाँ पर, तो टोटल होगा इसमें 16 चैप्टर। तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री की बुक्स के बाद अब हम मैथ्स की बुक देख लेते हैं। ये रही आपकी मैथ्स की दोनों बुक, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये बुक है आपकी 115 की। यदि वीडियो लंबी हो जाए तो आप इसका थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन वीडियो पूरी देखना, क्योंकि लास्ट में आपको इससे पासिंग बुक्स भी बताऊंगी, यानी जो भी आपके 12th क्लास के पास बुक्स हैं वो भी आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मैथ्स के जो ये सारे सिलेबस हैं आपके, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पार्ट फर्स्ट में, तो टोटल इसमें 6 चैप्टर्स हैं। फिर सेकेंड बुक में ये 130 रुपीज़ की है, और इसके अंदर है आपके 13, यानी टोटल मिला के आपके 13 चैप्टर्स हो गए मैथ्स के अंदर। तो ये हो गई आपकी सारी बुक्स क्लास 12th की। अब मैं आपको आप क्लास 12th की पासबुक के बारे में बता देती हूँ। ये जो दो बुक्स देख रहे हैं आप, ये संजीव की इंग्लिश कोर्स है क्लास 12th की इंग्लिश की पासबुक, और ये है एक्सेलेंट की हिंदी प्रभा, यानी ये है आपकी क्लास 12 की हिंदी की पासबुक। यदि आपने इन दोनों बुक्स के इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस कर लिए तो आपका पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि वो इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी, सारे इन दोनों पासबुक में दिए हुए हैं। मैंने ओनली इंग्लिश और हिंदी की पासबुक्स खरीदी थी, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तो आप प्रिपरेशन खुद कर ही सकते हैं बुक से। इन बुक्स में ही काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इनके बाहर से कुछ नहीं आता। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनने के, उनका पैटर्न देखने के लिए पासबुक्स खरीदनी पड़ती हैं। तो ये दोनों आपके इंग्लिश और हिंदी की पासबुक्स हैं। इंग्लिश की पासबुक मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 का पूरा पैटर्न लिखा हुआ है, किस बुक में से कौन सा क्वेश्चन आता है, सारी चीज़ें। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट मार्क किए हुए हैं मैंने, ये स्टार वाले हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। नाउ हिंदी की बुक देख लेते हैं। ये इसका क्लास 12 का हिंदी का आपका पेपर पैटर्न है पूरा। फिर इसके बाद इसमें ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, चैप्टर्स के नेम। इसमें आपको सभी चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी मिल जाएंगे। आप कोई सी भी पासबुक खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो पासबुक मैंने दिखाई है वही पासबुक खरीदें। इसके अलावा हिंदी में आपकी एक बुक और आती है संवाद सेतु,
हिंदी में क्लास 12 के अंदर आपका टॉपिक है संवाद सेतु का, उसके लिए भी अलग से बुक बनाई हुई है। लोग इसको परचेस नहीं करते क्योंकि वो नॉर्मली नोट से पढ़ लेते हैं, तो ये बुक ऑप्शनल है। यदि आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। वैसे ज़्यादा महंगी नहीं है, 20 रुपीज़ की है। तो इसमें आपको संवाद सेतु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी इस बुक से क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी क्लास 12th की सारी बुक्स का रिव्यू कर दिया है मैंने, उनकी प्राइस बता दिए हैं। तो ये बुक्स आपको ख़रीदनी है आपकी क्लास 12th में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।